हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि मैं काफ़ी टाइम जो है ना वो मिसिंग थी, और इस वजह से उसकी रीज़न जो है ना मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में बता दी थी और अभी भी बता देती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो है ना वो रिसेंटली बेबी हुआ है, तो इस वजह से जो है ना मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, कम्प्लीट रेस्ट पर थी। तो उसके बाद जो है ना फिर अभी जो है ना मैं आई हूँ अपनी मदर के घर और उनसे मिलने के लिए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना मैंने वीडियोस अपलोड करनी है, न्यू वीडियोस बना के अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे कुछ टेक्सचर्स मम्मा के घर पड़े हुए थे जो कि मैं लेके नहीं गई थी, क्योंकि जो मतलब ज़रूरी ज़रूरी टेक्सचर थे ना वो मैं ले गई थी, क्योंकि इतने सफ़र पर जाना वो टेक्सचर्स लेके जाना बहुत मुश्किल था। तो वो जो मैं लेके गई थी ना वो भी बस बहुत मुश्किलों से जो है ना मैं लेके गई थी। तो ये कुछ टेक्सचर्स पड़े हुए थे जो कि मतलब ये इस तरह से ये मल्टी टेक्सचर्स मतलब काफ़ी टेक्सचर्स को मिक्स करके ये मैंने टेक्सचर बनाया था, और बीच में डर्ट भी है और डिफरेंट टेक्सचर्स भी थे। तो ये वो वाला टेक्सचर है, ठीक है। ये मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम थी, तो इसको लेके जाना बेवकूफ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये वाला टेक्सचर है, ये थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर जो है ना मैं जो ले गई थी लेकिन ये बाद में जो है ना वो बनाया था, और इसकी भी क्वांटिटी कम थी तो इस वजह से जो है ना मैं उस टाइम लेके नहीं गई थी। तो ये मुल्तानी मिट्टी का थोड़ा सा टेक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है। और आज मैंने सोचा कि वाई नॉट आज मैं व्लॉग बना लूँ, क्योंकि बहुत अरसे बाद जो है ना तकरीबन 4-4.5 महीने के बाद जो है ना मैं वर्क प्लेस पर आई हूँ, और जो मेरी ससुराल में वर्क प्लेस है वहाँ पर मैंने काफ़ी मतलब मंथ से जब से मैंने वीडियोस शूट करना छोड़ी हैं तब से मैं जो है ना वो वर्क प्लेस पर ही नहीं गई हूँ। एक दफ़ा चक्कर लगाया है देखने के लिए कि भाई सारी चीज़ें ठीक ठाक पड़ी हैं कि नहीं, जब बीच बीच में बारिशें होती थी तो, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं मामा के घर आई हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि गर्मी वैसे बहुत है, आने का दिल नहीं करता, लेकिन आज मेरा मूड बना के मैं जो है ना वो जाके अपने वर्क प्लेस का चक्कर लगा के आऊँ, और जो है ना जो मेरा पुराना सामान पड़ा है उसको देख के आऊँ, और हो सकता है कि मैं जो है ना वो अगर मुझे यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स जो है ना मिल गए तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना इधर कुछ वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिन लग जाए तो मेरा जो है ना वो वीडियोस का डिले ना हो, और वीडियोस में कोशिश करूँगी कि टाइम पे जो है ना वो डिलीवर कर पाऊँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं टाइम पे वीडियोस अपलोड करूँ, और बीच में जो मैंने ब्रेक लिया था वो मेरी मजबूरी थी, तो उसमें जो है ना वो मैं कंप्लीट रेस्ट पर थी, तो जो है ना वीडियोज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल थी बनाना। तो फ़िलहाल जो है ना इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे कि न्यू वीडियोस आएँ, और उन लोगों को स्पेशल थैंक्स जिन लोगों ने इस मुश्किल के वक्त में मेरा साथ दिया और मेरी ओल्ड वीडियोस को भी इतना अप्रिशिएट किया कि बस कमेंट्स पढ़ के दिल ही खुश हो जाता था। तो ये कुछ पुराने टेक्सचर्स हैं जो मैं अपने साथ नहीं लेके गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको जो है ना ट्राई करती हूँ, अगर तो इनमें से कुछ टेक्सचर्स काम के निकलते हैं तो मैं इनकी जो है ना वो कोशिश करूँगी कि वीडियोस से शूट कर लूँ, और मुझे फिर अगर हो सका तो अगर फ़ोन से मतलब वीडियोस अच्छी शूट हो गई, वॉइस क्वालिटी बेहतर आ गई, तो फिर मैं इसी से ही कुछ वीडियोस जो है ना वो इसका स्टार्टअप लूँगी, और बाकी जब घर जाऊँगी तो फिर माइक से प्रॉपर वीडियोस बनाऊँगी, और अगर बहुत ही बुरा रिज़ल्ट आया तो फिर मुझे माइक ख़रीदना पड़ेगा यहाँ पर, और कोशिश करूँगी कि फिर मैं जो है ना वो कोई माइक लेके जो है ना उसे वीडियो शूट करूँ। सो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगी कि मैं इन चीज़ों के साथ जो है ना वीडियोज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये कुछ चंक्स पड़े हैं तो इनको मैं तोड़ना नहीं चाहूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसकी जो है ना वो ऐसे ही वीडियो बना लूँ, क्योंकि इससे जो है ना 3-4 मिनट की वीडियो शूट हो जानी है तो वो बेहतर है फ़िलहाल, क्योंकि मैं अगर इनकी शेप्स बनाती हूँ तो फिर भी ये ड्राई होने में टाइम लेंगी, तो बेहतर है कि जो है ना मैं इन शेप्स का भी फ़ायदा उठा लूँ। ये टेक्सचर्स मैंने रखे थे तो बारिशें वगैरह हुई हैं तो ये वेट हुए हैं, तो उससे कुछ टेक्सचर्स जो है ना वो कुछ चंक्स निकल आएंगे, और यहाँ से भी जो है ना कुछ इसके भी चंक्स निकल आएंगे, तो ये जिसके चंक्स निकलेंगे उसके मैं चंक्स निकालूंगी। और पीछे बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे उन चीज़ों की नहीं है, मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ कन्वे करना चाह रही थी वो कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना वो पड़े हुए हैं टेक्सचर्स, मैं देखती हूँ अगर इसमें से कोई चंक्स निकलते हैं तो वी कैन ट्राई दिस, ठीक है। और अगर कोई पिकेबल हुए तो या तो कोई शॉर्ट वीडियो बन जाएगी, तो फिर लॉन्ग तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल लग रही है मुझे। चलो खैर कुछ भी निकला,
तो हम शूट करेंगे। एक ये वाला चंक निकल आया है और एक ये निकला है। अच्छा, ये जो अब वीडियोस आएंगे ना, इसमें कोई धागे धुगे होंगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे प्रॉपर वाले टेक्सचर नहीं है। और ये मैंने इसके अंदर सैक के अंदर डाल के रखे हुए थे, जो कि धूप की वजह से ख़राब हो गए हैं, तो उसके धागे जो है ना वहीं के अंदर फंस गए हैं। सो ये हमारे दूसरे वाले टेक्सचर्स तो है नहीं कि हम इसको संभाल के रखते। तो खैर, मेरी जैसे शादी हो गई तो फिर उसके बाद किसी ने इनको जो है ना वो देखा ही नहीं, तो मैं इन छोटे चंक्स की जो है ना आप लोगों को क्रम्बलिंग करके दिखा देती हूँ। बस दुआ करने के बगैर माइक के काम चल जाए कुछ दिन, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं प्रॉपर अपने माइक के साथ, मैंने गलती की, माइक के साथ ले आती तो फ़ायदा ही हो जाता। खैर, उस टाइम मेरे माइंड में ये चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि मुझे था कि मेरे टेक्सचर कहाँ बचे होंगे अब। लेकिन ये तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में पड़े हुए हैं, और मेरी कुछ टब्स भी यहाँ पे मैं छोड़ के गई थी जो कि मैं उठा नहीं सकी थी। टब तो मैं लेके नहीं गई थी, टब तो मैंने वहाँ पर जाकर नए लिए थे सारे, तो कुछ इस यूज़ वाले यूज़ेबल कंडीशन में है, तो उनको मैं यूज़ करके ट्राई करूँगी कि कुछ मैं वीडियोस बना के आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर सकूँ। ये वाला मैंने ग्रेनी टेक्सचर निकाला है, और यहाँ पर मैं वाइट ग्रेनी और ब्लैक ग्रेनी लेकर नहीं की थी, क्योंकि वाइट ग्रेनी टेक्सचर को बनाना और ब्लैक ग्रेनी टेक्सचर को बनाना बहुत आसान था। तो मैंने वहाँ पर जाके जो है ना ये नए सिरे से टेक्सचर बनाया था, और ये जो है ना इकट्ठे पड़े हुए थे, तो जब बारिश वगैरह हुई है तो ये दोनों मिक्स हो गए हैं, वाइट ग्रेनी भी और ब्लैक ग्रेनी भी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टेक्सचर क्वान्टिटी में हो गया, इसलिए ये क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा टेक्सचर हो गया। सो ये देखिए, अभी मैं इसकी शेप्स बनाने लगी हूँ। ये मैं पानी ले आई हूँ, ठीक है, और ये मैं इसकी जो है ना कोई शेप निकालूंगी जो मुझे समझ आएगी, और ये बना कर रख जाऊँगी, तो फिर एक आध दिन तक ये ड्राई हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह इसकी वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। मेरा जो है ना वो स्टैंड मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो जब तक स्टैंड अवेलेबल नहीं है तब तक मैं इस तरह से वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि सो कीप सपोर्टिंग मी, और मैं अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना वो प्रॉपरली स्टार्टअप ले सकूँ। फिलहाल मैं ये सोच रही थी कि लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए टाइम पे वीडियोस अपलोड कर सकूँ। सो सी यू सून, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।